हेलो एवरीवन, आप सबका आज के इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। मैं विवेक वशिष्ठ प्रोत्साहन टीम एनजीओ की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोत्साहन टीम की शुरू से एक एफर्ट रहा है कि बायस्टैंडर्ड ज्यादा से ज्यादा संख्या में होने चाहिए, जिसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे कि हम सीपीआर अवेयरनेस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर देते रहें। अब क्योंकि कोविड चल रहा है तो इस दौरान हमने ऑनलाइन प्रोग्राम को जोर दिया है और आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे इस प्रयास पे एम्स के मिस्टर नीरज कुमार सरंकर, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं नेशनल सोसाइटी ऑफ कार्डियक नर्सेस के अंदर और एम्स के अंदर कार्यरत भी हैं ट्रेनिंग सेंटर में, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम सबको इस सीपीआर की जो टेक्निक है इसको हम सबके साथ साझा करने का अपना इच्छा व्यक्त करी है और वो आज हमारे बीच में ऑलरेडी है। हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सीपीआर के बारे में जानें और जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग करें और किसी ना किसी की जान बचाएं। मैं पहले अपने एक साथी हमारे वॉलेंटियर हैं अनुराग, उनको मैं अपने साथ जोड़ूंगा और इसमें सबसे अनुरोध है कि सब अपने आप को अनम्यूट रखें और वीडियो भी ऑफ रखें, पर जिसको जो भी हमारे वॉलेंटियर्स हैं सिर्फ वो ही इसको करेंगे, वो आपको इसके बारे में कुछ थोड़ा सा और बताएंगे और उसके बाद नीरज जी हमारे बीच में आ चुके हैं और बीच में कुछ और भी जो लोग जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ ही रहे हैं अभी। तो तब तक मैं चाहता हूं कि जो भी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं वो जुड़ जाएं, जिससे पहले कि नीरज जी शुरू करें। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग पाठक है, मैं एनजीओ प्रोत्साहन टीम से जुड़ा हुआ हूं और हम सबका प्रयास जैसा कि एक सामाजिक दायित्व को निभाने का है, उसी क्रम में हम ये सीपीआर प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आप सभी लोगों के जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा कि सीपीआर किस कंडीशन में किसी पेशेंट को दी जाती है और वो कौन से पेशेंट होते हैं जिनको सीपीआर की जरूरत होती है। तो ऐसे दो सिम्टम है जिनको किसी पेशेंट पे दिखने पे हम सीपीआर देते हैं, एक है कार्डियक अरेस्ट और एक है हार्ट अटैक। जहां तक कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बीच में लोगों को सिमिलरिटी लगती है, बट ऐसा है नहीं,
दोनों दो तरह के डिजीज है। इनमें डिफरेंस इतना है कि जो हार्ट अटैक है वो सिम्टोमेटिक इलनेस है, जो कि पहले से ही हमारे आरटीएल में ब्लॉकेज की वजह से होती है, जिसका सिम्टम हमें समय समय पे महसूस होता है। और उसमें होता क्या है कि धीरे धीरे हमारे ब्लॉकेज की वजह से हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है और पेशेंट कोलैप्स होके गिर जाता है। उस समय पे हमें सीपीआर देने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि पेशेंट को दोबारा से रिसेसिटेट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा होता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट जो कि जिसको कि सीपीआर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसमें होता क्या है कि उसको कोई भी हार्ट अटैक का सिम्टम नहीं रहता है। अचानक से उसके हार्ट की वाइब्रेशन रुक जाने की वजह से, जिस कारण की वजह से वो कोलैप्स होके या बेहोश होके सामने गिर जाता है। ऐसे सिचुएशन में उसका हार्ट बीट करना बंद हो जाता है और उसको सीपीआर की सख्त जरूरत होती है। इस समय हम सीपीआर दे के उसकी जान बचा सकते हैं। इन दोनों सिचुएशन में मरीज को शुरुआत के 5 से 10 मिनट बहुत क्रिटिकल होता है। उस समय उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में सीपीआर ही आता है, जो कि हम सीख भी सकते हैं, सीखना भी उसका आसान है और दे के हम उसकी जान को बचा सकते हैं। धन्यवाद। मैं इसी के साथ अपनी साथी को बोलना चाहूंगा कि आप आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू अनुराग। और मैं अभी नीरज जी से आग्रह करूंगा कि नीरज जी जो हमारे साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो कृपया करके अब वो थोड़ा सीपीआर के बारे में और अच्छे से हमें बताएं कि एज ए इंडिविजुअल, जैसे कि सब हम सब जानते हैं ऑलरेडी कि सीपीआर किसी को भी कहीं भी दिया जा सकता है, किसी भी स्थिति में वो स्थिति क्या होनी चाहिए एग्जैक्टली, और उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या उसकी टेक्निक है, क्योंकि ऐसे नीरज जी क्योंकि एम्स में है तो इनको कई लाइव एग्जाम्पल भी जरूर रहे होंगे, वो साझा करें हमारे साथ और आप सबके साथ कि क्या क्या इसको किस तरीके से बेनिफिट सबको मिल सकता है और किस तरीके से सब लोग बायस्टैंडर बन सकते हैं। नीरज जी थैंक यू विवेक जी एंड थैंक यू प्रोत्साहन टीम हु टुक दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव टू क्रिएट ए अवेयरनेस अबाउट द बाईस्टैंडर्ड अबाउट द इट इज़ ए लाइफ सेविंग प्रोसीजर। तो इसकी वजह से हम जान बचा सकते हैं, तो मतलब ये एक जिंदगी को बचाने वाली चीज़ है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि प्रोत्साहन टीम जो इन सब चीज़ों के पीछे काम कर रही है, एनजीओ टीम, आई एम वेरी माई बेस्ट विशेज विद दैम। एंड मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आगे भी आप लोग और भी लोगों के साथ करते रहें, जिससे अगर अगर इसके थ्रू हमने एक भी जान अगर बचा दी तो हमारा जो एम है कि भाई इससे रिलेटेड अवेयरनेस जो हम क्रिएट कर रहे हैं, अगर एक भी जान इसके थ्रू बचती है तो हमारा एम सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रोत्साहन टीम हु टुक इनिशिएटिव, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया इस तरीके की अवेयरनेस क्रिएट करने का जनरल पब्लिक के लिए और बाई स्टैंडर्ड लोगों के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, एक छोटे से उसकी वजह से हम जान बचा सकते हैं। आपको याद होगा कि दे आर सो मेनी एग्जाम्पल्स हैं जिनकी वजह से, लाइक आपने कभी देखा होगा कि आपने कभी सुना होगा कि आपके आस पड़ोस में कोई रात को कोई सोया था और सुबह उठा तो उसकी डेथ हो गई, बाद में पता चला कि उनको हार्ट अटैक आया था या अरेस्ट हो गया था कार्डियक अरेस्ट, उनकी वजह से उनकी जान चली गई। तो मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है इसमें बाई स्टैंडर्ड का अबाउट इसमें कंप्रेशन से रिलेटेड, वो आप लोगों का होता है। मतलब जो पर्सन वहां पर एट प्रेजेंट प्रेजेंट होता है, जो उस सिचुएशन में जो भी पर्सन वहां पर प्रेजेंट होगा उसका रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी बड़े से बड़े कार्डियोलॉजिस्ट से रोल की बजाय उस पर्सन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जो पर्सन उस टाइम वहां पर प्रेजेंट है। क्योंकि अगर टाइम रहते अगर हम सीपीआर कर दें उस टाइम पर,
जब उनको कार्डियक अरेस्ट होता है। तो रिसर्च और जो बहुत सारी चीजें जो ये बताती हैं कि 7 से 10% चांसेस ऑफ सर्वाइवल एवरी मिनट घटते जाते हैं। तो आप सोचो कि हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट होती है कार्डियक अरेस्ट के टाइम पर, इसलिए बहुत जरूरी है कि जल्दी से जल्दी उनको अगर CPR किया जाएगा तो जल्दी से जल्दी उनकी जान बचने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो मैं जस्ट मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, कुछ स्लाइड्स मैंने बताई हैं। आपको किसी को बचाने में ऑफकोर्स हर किसी पर्सन को खुशी मिलती ही है, तो ऐसी मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं जिसके थ्रू हम आपको थोड़ी सी अगर नॉलेज इसमें मिल जाएगी तो आप भी किसी की जान बचा पाएंगे। अगर आई थिंक आपने देखा होगा 2-3 महीने पहले एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें से एक पर्सन इंटरनेशनल IGI जो एयरपोर्ट है वहां से ड्राइव करके आ रहे थे एंड ऑन एंड सडन उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और वो अपने कार में वहीं पर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो वहां पर एक ट्रैफिक पुलिस वाले पर्सन होते हैं तो वो उनको लिटा के और जस्ट छाती को दबाना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में वो पर्सन की जान बच जाती है। ये अभी 6-7 मंथ पहले की बात है। तो आप ऐसे छोटे छोटे और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं तो हम थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, लेकिन इससे भी पहले सबसे जरूरी चीज होती है, लेकिन अगर इस टाइप की सिचुएशन आपको कभी मिलती है अपनी लाइफ में तो सबसे पहले ना आपको अपनी सेफ्टी भी देखनी होती है। तो सबसे पहले आपको अपने आप को सेफ करना होता है, उसके बाद आप विक्टिम की जान बचाने की कोशिश कीजिए। सपोज करो अगर मिडिल ऑफ द रोड में ये चीज होती है तो अगर आप मिडिल ऑफ द रोड में आपने CPR करना स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है कि एक दूसरी कार आपको भी टक्कर मार के चली जाए। तो पहले तो हमारे पास एक विक्टिम था, अब पता चला कि 2 हो गए, तो हमको विक्टिम्स के नंबर नहीं बढ़ाने, इसलिए पहले खुद की सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे कुछ आप इसमें अगर देखोगे तस्वीरों में इसमें स्लाइड्स में मैंने एक तो रेस्टोरेंट है, एक कहीं पर आग लगी हुई है, एक सड़क के बीचों बीच एक पर्सन पड़ा हुआ है और एक जिम है जहां पर एक पर्सन दौड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं जहां पर आग लग रही है और जहां पर मिडिल ऑफ द रोड है, अगर यहां पर आप CPR करना स्टार्ट करेंगे तो आप भी खतरे में आ जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको CPR नहीं करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में पहले आपको अपना, जैसे सपोज करो पहले आप अगर कहीं पर आग लगी है तो पहले आप 5 ब्रिगेड पीपल लोगों को कॉल कीजिए जिससे वो पर्सन को बाहर निकाल दें, फिर आप अपना छाती को दबाना और चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो रेस्टोरेंट है तो यहाँ पर आपको कोई नुकसान नहीं है तो यहाँ पर आप CPR स्टार्ट कर सकते हैं। जिम है यहाँ पर आप CPR स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने दिए हैं। तो सपोज करो अगर आपके सामने कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो बेहोश हो गया अचानक आपके सामने, तो आप क्या करोगे? तो आप कुछ 2-3 स्टेप्स हैं जिनकी वजह से आप फटाफट उनकी जान बचा सकते हैं। तो इस जो प्रोसेस को हम जिससे हम जान बचा पाते हैं उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। आप लोग बाईस्टैंडर पीपल हैं तो आप लोगों को मेडिकल की इतनी ज्यादा हम लोग नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते, इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि आप केवल केवल छाती को दबाना भी स्टार्ट कर दिया आपने तो भी वो हमारे लिए काफी है और उसी से जान बचती है 90% केसेस में। अगर आपने छाती को दबा दिया लेकिन वो सही तरीके से दबाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में हम आज आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे। तो इसमें 3 चीजें होती हैं कि सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि वो उसको हार्ट अटैक हुआ है या नॉर्मल बेहोशी है, ये भी बहुत जरूरी है जानना। फिर उसके बाद चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे और जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस के थ्रू ट्रांसफर करना चाहिए। तो ये एक छोटी सी वो है प्रक्रिया की कैसे कैसे क्या करना चाहिए। तो हम एक एक चीज देखते हैं। सपोज करो जैसे आपके पास एक पर्सन आया आपको मिला जो अनकॉन्शियस है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? तो सबसे पहले आप ये करोगे कि आप उसके सबसे पहले आप सीन सेफ्टी देखोगे, आप अपने आप को बचाओगे। सपोज करो अगर मिडिल ऑफ द रोड में है बीचों बीच अगर सड़क के, तो उसको सड़क के साइड में ले लीजिए और फिर उसके दोनों कंधों पर आप टैप करना है ऐसे और आपको बोलना है आप ठीक है, आप ठीक है। तो अगर वो ठीक होंगे तो वो आपका रिस्पॉन्स करेंगे, अगर नहीं ठीक होंगे तो इसका मतलब उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो नॉर्मली अगर इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली जिससे पहले आप कुछ स्टार्ट करें उससे पहले इमीडिएटली आपको एम्बुलेंस पे कॉल करना है। जैसे अगर आप दिल्ली में हैं तो आप 108 नंबर पे कॉल कर सकते हैं या अदर स्टेट में भी 108 नंबर चालू है। दिल्ली में 112 नंबर भी वर्किंग है तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और कॉल करके आपको 2-3 चीजें बतानी होती हैं कि एक तो आप कहाँ से कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन बताना होता है। कभी कभी ये होता है कि हम फोन करते हैं और बोलते हैं और इमीडिएटली बोलते हैं कि ओके यहाँ पर ना एक आदमी बेहोश पड़ा और आप फोन काट देते हैं।
अब वो यहाँ को पूरे दिल्ली में ढूंढता रहे तो वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन, सपोज करो आप एम्स, अगर आपको वो सपोज करो आईजीआई एयरपोर्ट के पास कोई पर्सन है, तो आप बिल्कुल क्लियरली बोलो कि आईजीआई एयरपोर्ट के पास गेट नंबर 3 के पास एक आदमी बेहोश पड़ा है, कितने ने विक्टिम्स हैं, वो भी बहुत जरूर पता पड़ा कि एक साथ मास कैजुअल्टी हो गई, 50 विक्टिम है, तो 50 के अकॉर्डिंग एम्बुलेंस अपना सामान लेके आएगी, तो नंबर ऑफ विक्टिम क्या हुआ है उसके साथ और एग्जैक्ट लोकेशन, और एक शॉक देने वाली मशीन जिसको हम एईडी बोलते हैं उसको भी लाने के लिए आपको बोलना है। तो ये चार चीजें आपको एम्बुलेंस को बतानी है और उसके बाद आप कॉल रख सकते हैं। तो आपको तीन चीज हो गई, सबसे पहले आप अपनी सीन सेफ्टी हो गई, उसके बाद टैप शोल्डर हो गई, और तीसरी बात एम्बुलेंस को कॉल करना। ये तीन चीज सबसे पहले करनी है उससे पहले कि आप कुछ स्टार्ट करें। तो कॉल के दौरान क्या क्या बताना है मैंने आपको बता दें, अपने आप खुद के बारे में बताएं, लोकेशन बताएं, कितने विक्टिम हैं, उसके साथ क्या हुआ है, और आप भरोसे दिल और उनको बोलो कि आपने मेरी बात सारी सुन ली। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने सारी बात बोल दी लेकिन वहां पर सारी बातें पहुंची नहीं है, तो ये बहुत जरूरी चीज है। इसलिए आप इमीडिएटली जब वो बोले कि हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई तो आप अपना फोन रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है। तो चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने के लिए आपको 30-30 बार आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है, 30-30 के 5 साइकिल आपको देने हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ऐसे 5 साइकिल देने, 5 साइकिल बगैर रुके देने होते हैं। हाँ, अगर आप इस 30-30 के साइकिल में अगर थोड़ा भी बहुत गैप लेते हैं तो वो गैप 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 सेकंड से ज्यादा का गैप लेने पर वापस से जो ब्लड ब्लड की जो सप्लाई एकदम जो चालू होती है आपके चेस्ट कंप्रेशन देने से, वो एकदम वापस से बिल्कुल डाउन हो जाती है और उसको वापस से उसी रेट पर पहुंचने के लिए काफी टाइम लग जाता है। इसलिए 10 सेकंड से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 30-30 चेस्ट कंप्रेशन में। और दो, ये जो 30-30 का जो साइकिल है, ये 5 साइकिल हो गए, तो ये 5 साइकिल आपके 2 मिनट में पूरे हो जाते हैं। तो इसका मतलब 5 साइकिल के बाद आपको वापस से पेशेंट की अवेयरनेस चेक करनी है। तो इसलिए अवेयरनेस चेक करने के लिए वापस से आप टैप करोगे, तो ऐसे 5-5 साइकिल करके आपको देते रहना, और हर 5 साइकिल के बाद आपको टैप ऑफ द शोल्डर करना, जिससे आपको ये पता चल जाए कि उसे होश आया है नहीं आया है। और वैसे भी 5-10 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती है, तो जल्दी से आती उसे शिफ्ट कर देना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए आप देखो, जैसे ही अगर वो जमीन, सबसे पहले आपको कहीं भी तो जमीन पे लेटा दिया, तो आप एक चीज ध्यान रखना है कि आपका जो कमर का लेबल है, इसमें यहाँ पर जो ये कमर का लेबल है जो आपका, वो पेशेंट के छाती के लेबल से ऊपर होना चाहिए। एक तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। और जब आप अपने हैंड रखें तो आपका जो एल्बो लेवल है, जो एल्बो है ये वाला लेवल एल्बो, और आपका जो ये कंधा है, ये एकदम छाती के बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। तो ये 2-3 चीज ध्यान रखनी है। अब आपको हाथ कहाँ रखना है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। हाथ कहाँ रखेंगे आप, तो हाथ आपको एकदम बीचों बीच दोनों निप्पल्स के बीच में एक लाइन खींचिए यहाँ पर, और वहां पर हाथ रखना है। तो आप कि हम लोग स्टार्ट जहां से हम लोगों ने जहां से लीप किया था वहीं से हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग अभी जुड़े हैं हमसे, तो जस्ट मैं एक थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूं कि आपको पता है इंडिया सबसे बड़ा कैपिटल है अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट की, यहां पर सबसे ज्यादा हार्ट कार्डियक अरेस्ट होते हैं। तो उस टाइम पर अगर आपने किसी की भी जान बचाने के लिए अगर आपने CPR कर दिया तो 7-10% चांसेस होते हैं, अगर एक हर एक मिनट 7-10% चांसेस आप लूज करते जाते हैं हर एक मिनट में। तो जितनी जल्दी आप CPR स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आप किसी पेशेंट की जान बचा पाएंगे, और ये बहुत ही जरूरी चीज है। एम आई ऑडिबल टू ऑल, क्या आप सब लोग सुन? ओके, सो नॉर्मली हर एवरी डे एवरीडे बहुत सारे लोगों को कार्डियक अरेस्ट होता है। अगर आप उस टाइम पर जब कार्डियक अरेस्ट होता है, अगर आपने किसी को CPR कर दिया उस टाइम पर, तो उस टाइम पर वहां पर जो पर्सन इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी नहीं है कि वो कोई मेडिकल फील्ड से हो या कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो या कोई नर्स हो या कोई टेक्नीशियंस हो या कोई भी मेडिकल नॉलेज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए CPR को की नॉलेज हम हर एक को देते हैं, जिससे अगर उन्होंने छाती दबाना स्टार्ट कर दिया
तो आप सोच नहीं सकते कि उसको कितने परसेंट चांसेस हो जाते हैं जिंदा रहने के। तो क्योंकि अगर आप जितना लेट सीपीआर स्टार्ट करोगे, एवरी मिनट 7 से 10% चांसेस लूज होते चले जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होती है कार्डिक अरेस्ट के टाइम पर। आपको याद हो तो हमारे एक रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ही गॉट कार्डियक अरेस्ट ऑन द डायस इमीडिएटली, बट आफ्टर दैट व्हेन ही वेंट टू द हॉस्पिटल एंड द टाइम हैज गॉन, बिकॉज इफ द अगर समय रहते हुए कोई सीपीआर हो जाता या कुछ हो पाता तो हो सकता है सिचुएशन कुछ डिफरेंट हो। तो इस वजह से सीपीआर की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सीपीआर करने से पहले 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो अपनी खुद की सेफ्टी करनी होती है, सेफ सीन सेफ, मैं सपोज करो यहाँ पर कहीं आग लग रही हो तो ऐसा नहीं कि आप आग के पास जाके और सीपीआर करना स्टार्ट कर दें, तो उससे क्या होगा, वो आप भी घायल हो जाएंगे। तो पहले हमारे पास विक्टिम एक था, दो हो जाएंगे, तो हमें नंबर ऑफ विक्टिम नहीं बढ़ाने होते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप अपनी जान बचाएं, उसके बाद पेशेंट को असेस करें। असेस करने के लिए आप उनके शोल्डर पे टैप करना है, क्योंकि ऐसे जरूरी नहीं है ना कि सारी की सारी बेहोशी हमेशा कार्डियक अरेस्ट हो। तो आप पहले टैप करोगे शोल्डर पे, तो हो सकता है अगर वो नॉर्मल बेहोशी होगी तो वो उठ के खड़ा हो जाएंगे, आपको रिस्पॉन्स दे। अगर वो नॉर्मल बेहोशी नहीं होगी, हार्ट अटैक टाइप, तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो दूसरा पॉइंट है कि टैप करना चाहिए 2 बार और उनको बोलना चाहिए आप ठीक है, आप ठीक है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है, फिर तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करें। जैसे दिल्ली में 112 नंबर वर्किंग है, 108 नंबर वर्किंग है, वहां पर 4 चीजें बोलना बहुत जरूरी है। एक तो आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम जल्दी में होते हैं और हम बोलते हैं कि यहाँ पर ना एक आदमी बेहोश हो गया और जल्दी से आप आ जाइए, और फोन काट देते हैं, और उनको ये पता नहीं होता है कि भाई कहाँ पर आना है, क्या करना है। तो इस वजह से एग्जैक्ट लोकेशन जरूर आप बताएं। उसके बाद कितने विक्टिम हैं वो भी बहुत जरूरी है। पता पड़ा कि मास कैजुअल्टी हुई है, कोई बस पलट गई है, तो 40-50 पेशेंट हुए, तो वो भी बहुत जरूरी है, क्या हुआ है उनके साथ। और एक शॉक देने वाली मशीन के लिए भी उनको बोलना है कि आप AED, जिसको हम AED बोलते हैं, और वो नॉर्मल लोग भी यूज कर सकते हैं, तो वो लाने के लिए भी एम्बुलेंस पर्सन को बोलना है। उसके बाद आपको CPR स्टार्ट करना है, तो 30-30 के 5 साइकिल आपको करने होते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कितना दबाना है, कहाँ पर हाथ रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने आपके सामने ये जो पिक्चर रखी है, इसमें टाइम हैज गॉन, बिकॉज इफ द अगर समय रहते हुए कोई CPR हो जाता या कुछ हो पाता तो हो सकता है सिचुएशन कुछ डिफरेंट हो। तो इस वजह से CPR की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब CPR करने से पहले 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो अपनी खुद की सेफ्टी करनी होती है, सीन सेफ, मैं सपोज करो यहाँ पर कहीं आग लग रही हो तो ऐसा नहीं कि आप आग के पास जाके और CPR करना स्टार्ट कर दें, तो उससे क्या होगा, वो आप भी घायल हो जाएंगे। तो पहले हमारे पास विक्टिम एक था, दो हो जाएंगे, तो हमें नंबर ऑफ विक्टिम नहीं बढ़ाने होते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप अपनी जान बचाएं, उसके बाद पेशेंट को असेस करें। असेस करने के लिए आप उनके शोल्डर पे टैप करना है, क्योंकि ऐसे जरूरी नहीं है ना कि सारी की सारी बेहोशी हमेशा कार्डियक अरेस्ट हो। तो आप पहले टैप करोगे शोल्डर पे, तो हो सकता है अगर वो नॉर्मल बेहोशी होगी तो वो उठ के खड़ा हो जाएंगे, आपको रिस्पॉन्स दे। अगर वो नॉर्मल बेहोशी नहीं होगी, हार्ट अटैक टाइप, तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो दूसरा पॉइंट है कि टैप करना चाहिए 2 बार और उनको बोलना चाहिए आप ठीक है, आप ठीक है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है, फिर तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करें। जैसे दिल्ली में 112 नंबर वर्किंग है, 108 नंबर वर्किंग है, वहां पर 4 चीजें बोलना बहुत जरूरी है। एक तो आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम जल्दी में होते हैं और हम बोलते हैं कि यहाँ पर ना एक आदमी बेहोश हो गया और जल्दी से आप आ जाइए, और फोन काट देते हैं, और उनको ये पता नहीं होता है कि भाई कहाँ पर आना है, क्या करना है। तो इस वजह से एग्जैक्ट लोकेशन जरूर आप बताएं। उसके बाद कितने विक्टिम हैं वो भी बहुत जरूरी है। पता पड़ा कि मास कैजुअल्टी हुई है, कोई बस पलट गई है, तो 40-50 पेशेंट हुए, तो वो भी बहुत जरूरी है, क्या हुआ है उनके साथ। और एक शॉक देने वाली मशीन के लिए भी उनको बोलना है कि आप AED, जिसको हम AED बोलते हैं, और वो नॉर्मल लोग भी यूज कर सकते हैं, तो वो लाने के लिए भी एम्बुलेंस पर्सन को बोलना है। उसके बाद आपको CPR स्टार्ट करना है, तो 30-30 के 5 साइकिल आपको करने होते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कितना दबाना है, कहाँ पर हाथ रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने आपके सामने ये जो पिक्चर रखी है, इसमें आप देखो आपको एग्जैक्ट कहाँ रखना है, बीचों बीच छाती के बीचों बीच, और आप ये बोल सकते हैं कि दोनों निप्पल्स के बीच में जो लाइन बनती है और जो जहां पर छाती को क्रॉस करेगी, वो एग्जैक्ट पॉइंट होगा जहां पर आपको अपने हथेली का ये वाला पॉइंट रखना है। ओके, या फिर आप 2 फिंगर अबव द लोअर बेस्ट ऑफ द बेस्ट बोन, जहां पर आपकी छाती का खत्म होती है और पेट स्टार्ट होता है, वहां से 2 फिंगर अबव भी आप अपने हाथ हथेली रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हाथ कहां पर रखना है।
आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि आप हाथ कैसे रखते हैं, एक हाथ नीचे रखना है हथेली वाला, फिर दूसरा हाथ उसके ऊपर ऐसे इंटरलॉक कर लेना है इस तरीके से, ओके। और उसके बाद ये हथेली वाला जो हिस्सा है ये छाती के बीचों बीच में आपको रखना है, और ये दबाना होता है कम से कम 5-6 सेंटीमीटर तक दबाना होता है, और आपको जो रेट होगी वो होगी 120 प्रति मिनट के हिसाब से। इसका मतलब आपको 30-30 के कंप्रेशन देने हैं, तो 30 कंप्रेशन देने के लिए अगर आपको 120 की रेट से देना है तो इसका मतलब आपके जो 30 कंप्रेशन है वो 15 सेकंड में पूरे हो जाने चाहिए। तो इस तरीके से आपको कंप्रेशन को स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि अगर दोनों 30-30 के चेस्ट कंप्रेशन के बीच में अगर आप गैप लेते हो तो वो गैप 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 सेकंड से ज्यादा का गैप होने से क्या होता है कि जो जो ब्लड का जो जो फ्लो बनता है वो 10 सेकंड से ज्यादा का गैप लेने वापस से एकदम जीरो हो जाता है। तो इस वजह से आपको 10 सेकंड से ज्यादा का गैप नहीं लेना, और 30-30 के ऐसे 5 साइकिल देने, और 5 साइकिल के बाद वापस से आपको रिस्पॉन्स चेक करना है, वापस से टैप शोल्डर करना है। अगर रिस्पॉन्स है तो आप जल्दी से भी हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, रिस्पॉन्स नहीं है तो वापस से आपको फिर 5 साइकिल करने, तो ऐसे 5-5 साइकिल करते जाना है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में 30 चेस्ट कंप्रेशन 30-30-30 करके ऐसे 5 साइकिल करने, और ये 5 साइकिल जब आप 15 सेकंड में करेंगे 30 चेस्ट कंप्रेशन 15 सेकंड, तो आपके पूरे 5 साइकिल 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद वापस से आपको चेक करना है रिस्पॉन्स, जैसे मैंने आपको बताया, तो वापस से 2 ही कंडीशन बनेंगी, या तो वो रिस्पॉन्स देंगे या नहीं देंगे। तो वापस से अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वापस से आपको 30-30 करके फिर 5 साइकिल करनी है। तो नॉर्मली ऐसे 2-3 साइकिल करने के बाद या तो रिस्पॉन्स आ जाता है, और नहीं तो तब तक एम्बुलेंस आ जाएगी, और जल्दी से जल्दी आप उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर देना है। और उसके बाद अगर सपोज करो रिस्पॉन्स आ जाता है तो आपको ये वाली लेटरल पोजिशन में पेशेंट को लिटा देना है, लेटरल पोजिशन में, जैसे मुंह एक तरफ साइड में लिटा देना। जिससे क्या होगा, अगर मुंह के अंदर कुछ चीज होगी या सिक्रीशंस होंगे या कुछ भी होंगे तो वो साइड से बाहर निकल जाएंगे। तो ये एक छोटी सी स्टेप था जो मैंने आपको बताया है। अब एक चीज आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है जहां पर आपको सीपीआर स्टार्ट नहीं करना होता है, जैसे सपोज करो सीन सेफ नहीं है, सपोज करो वहां पर आग लगी हुई है आप, या पानी में कोई डूब रहा है, तो आप वहां पर तो सीपीआर स्टार्ट नहीं कर सकते। तो पहले आप फायर ब्रिगेड वालों को बुलाएंगे, तो वो जब बोल निकाल देंगे उसके बाद आप अपना सीपीआर स्टार्ट कर दो। पेशेंट अगर रिस्पॉन्सिव है तो सीपीआर करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा, अगर कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत सारा टाइम हो चुका होता है और हमें पेशेंट में ना मतलब डेथ होने के साइंस आ जाते हैं, जिसको हम राइगर मोर्टिस बोलते हैं, जैसे हाथ पैर एकदम जकड़ जाते हैं, तो उससे पता चलता है कि इसकी डेथ हो चुकी है, तो उस कंडीशन में मोस्टली कुछ फायदा नहीं होता है सीपीआर करने का, जहां पर 1-2 घंटे से ज्यादा अगर टाइम हो चुका होता है डेथ का। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोत्साहन टीम के वॉलंटियर्स को कि प्लीज आप अपना वीडियो शेयर करें, जिससे हम बाकी लोगों को बता सकें कि किस तरीके से सीपीआर देना है। आई रिक्वेस्ट विवेक जी, प्लीज आस्क योर वॉलंटियर टू जस्ट शो द मैनिक्विन सो वी कैन शो द सीपीआर टू द पार्टिसिपेंट्स। विवेक जी, यस, सो आप लोग देखिए, हाँ जी हाँ जी, पार्टिसिपेंट्स आप प्लीज जस्ट देखिए कि आपको कुछ यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं जो ऑनलाइन करके दिखाना चाहते हैं जी। आपका ये हमारे वॉलंटियर्स हैं प्रोत्साहन टीम से, तो आप देखिए कि ये जिस तरीके से बैठे हुए, आप देखिए कि इनका कमर का लेवल पेशेंट के छाती के लेवल से ऊपर है, तो इस तरीके से ही आपको बैठना है। आप अपने दोनों नीज जमीन पे रखना है, और हमेशा एक बात जरूर ध्यान रखिए कि पेशेंट को आप जहां पर भी लेटाएं वो एक हार्ड सरफेस होनी चाहिए, तो इस वजह से इससे बेटर है कि ग्राउंड पर आप लेटा दें, तो ग्राउंड सबसे ज्यादा हार्ड स्पेस होता है। उसके बाद आप लोकेशन फाइंड आउट करोगे दोनों निप्पल के बीच में लाइन खींच के, जहां पर वो छाती पर क्रॉस करेगी वहां पर आपको अपनी हथेली रखनी है। तो आप देखिए ये आप अपनी हथेली रखेंगे वहां पर, वेरी गुड, आप अपनी हथेली रख लीजिए वहां पर। अभी आप अपनी हथेली रखिए अपने हैंड की, ये पार्ट, यस, हथेली रख ली। अब इसके ऊपर आप अपना दूसरा हैंड रख लीजिए, वेरी गुड। अब आप पेशेंट की छाती के ऊपर आ जाइए, जिसमें आपका ये जो एल्बो है एकदम स्ट्रेट रहेगा और कंधा एकदम ऊपर रहेगा पेशेंट की छाती के ऊपर,
आप साइड से थोड़ा कैमरा दिखाएंगे तो लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। हाँ वेरी गुड। हाँ ये देखिए इनका इनका एल्बो एकदम लॉक्ड है और कंधा एकदम छाती के ऊपर है, बिल्कुल वेरी गुड। उसके बाद आप 1 2 3 करके आपको चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है और कितना दबाना है 5 से 6 सेंटीमीटर और आपको रेट रखनी है 120 प्रति मिनट, मतलब आपको 30 कंप्रेशन 15 सेकंड में पूरे हो जाने चाहिए, ऐसे 30 30 करके 5 साइकिल देने। तो आप देखिए कि हमारे वॉलंटियर जो है वो किस तरीके से कंप्रेशन देते हैं। ओके आप स्टार्ट करिए 1 2 3 से। थर्टी के बाद अगेन वापस से विदाउट एनी गैप, अगर इफ यू वॉन्ट टू टेक गैप बट इट ये जो गैप होगा वो 10 सेकेंड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो वापस से आप 30 कंप्रेशन स्टार्ट करिए 4 5 6। एक बार हम आपको 5 साइकिल करके बता देते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई 5 साइकिल तक करना होता है। वेरी गुड 30। 2 साइकिल नेक्स्ट वापस से ये देखिए कि ये 10 सेकंड से ज्यादा का गैप नहीं ले रहे हैं। 4 5 जस्ट काउंट लाओ काउंट योर सेल्फ। वेरी गुड 3 साइकिल कंप्लीटेड। ओके नेक्स्ट 4 साइकिल इज स्टार्टेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 4 साइकिल कंप्लीटेड। ओके नाउ लास्ट साइकिल यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30। वेरी गुड। सो नाउ द 5 साइकिल इज कंप्लीट। उसके बाद वापस से कंधों को टैप कीजिए, इनके कंधों को टैप कीजिए, कंधों को टैप कीजिए इनसे, कंधों को दोनों हाथों से दोनों कंधों को चेक करिए अगर उनको रिस्पॉन्स आता है तो। हाँ वेरी गुड आप ठीक है ऐसे करके बोलिए। कंधे पर टैप करना है। वेरी गुड। सो अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वापस से 5 साइकिल करना है और रिस्पॉन्स आ जाता है तो जल्दी से जल्दी जो भी नियरेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल है वहां पर शिफ्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो वॉलंटियर है थैंक यू सो मच कि उन्होंने 5 साइकिल की और किस तरीके से उन्होंने चेस्ट कंप्रेशन किया। तो इस तरीके से ही आप लोगों को भी चेस्ट कंप्रेशन करना है, कितनी बार दबाना होगा 5 से 6 सेंटीमीटर दबाना होगा, रेट आपको रखनी है कि आपके जो 30 कंप्रेशन है वो 15 से 16 सेकंड में पूरे हो जाएं और ऐसे करके 5 साइकिल देना है बगैर रुके और 5 साइकिल के बाद वापस से आपको पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है, अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वापस से 5 साइकिल करना है। तो ऐसे कर करके आपको 5 5 साइकिल करते जाना है और इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। तो एक छोटी सी अवेयरनेस थी आपको कि किस तरीके से जान बचानी है। आपको मैं एक बात बताता हूं कि जो भी पर्सन जहां जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसके आसपास जो भी मौजूद होगा उसका रोल किसी बड़े से बड़े कार्डियोलॉजिस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि उस टाइम पर जो आप चेस्ट कंप्रेशन कर पाओगे हॉस्पिटल तक ले जाने तक वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि हर एक सेकेंड आदमी 10% चांस लूज करता जाता है जिससे कि डेथ होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो हर एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होती है सीपीआर के टाइम पर। तो आपको जितनी जल्दी आप सीपीआर स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी से ज्यादा उनके चांसेस बनेंगे जिंदा रहने के। तो ये मैं इसके बारे में बताना चाह रहा था। अगर आप में से किसी की कोई इंक्वायरी है तो आई एम फ्री टू आंसर योर क्वेश्चंस, तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इस मेरी टॉक के बाद आपको थोड़ा सा जो प्रोत्साहन टीम के वॉलंटियर है वो थोड़ा ईईडी के बारे में भी आपको बताएंगे कि वो किस टाइप की मशीन होती है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर विवेक जी एंड प्रोत्साहन टीम टू गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है क्वेरीज है तो अभी आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू नीरज जी, आपने बहुत अपना बहुमूल्य समय निकाला हम सबको बताने के लिए और हम आपका आगे भी इस तरीके से समय लेते रहेंगे। उम्मीद है आप जैसे आपका भी पैशन है
सीपीआर के लिए, तो आप भी हमारी इस तरह से हम इसको चाहते हैं कि ये जन जन तक ये अवेयरनेस पहुंचे और सबको पता चले कि सीपीआर का रोल कितना इम्पोर्टेंट है और इसकी जरूरत, जैसे बोलते हैं आप लोग भी, सब डॉक्टर बोलते हैं कि कहीं पर भी किसी को भी और किसी भी समय दी जा सकती है, वो आज आपने काफी कुछ डाउट्स क्लियर करे हैं सबके। मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छा लगा होगा आज का ये सेशन। और अभी हमारे साथी जो आपको एडी होता है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, उसके बारे में बताएंगे। डॉक्टर साहब, अगर आप उसके बारे में कुछ संक्षेप में बता सके तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मैं बता देता हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर विवेक जी। एडी एक मशीन होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर पब्लिक प्लेस पर होनी चाहिए। फॉरेन में तो सब जगह अवेलेबल होती है, जैसे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, आईजे एयरपोर्ट हो। अगर आप जो लोग दिल्ली में रहते हैं, अगर आप साकेत मॉल जाएंगे तो वहां पर एईडी अवेलेबल है, आईजे एयरपोर्ट जाएंगे वहां पर एईडी अवेलेबल है, पार्लियामेंट में एईडी अवेलेबल है, और स्लोली स्लोली गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि हर पब्लिक प्लेस पर एईडी हो। तो ये एक मशीन होती है जिससे शॉक दिया जाता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली फिक्स शॉक होता है, तो आपको इसमें कुछ करना नहीं होता है। सिर्फ तीन इसमें बटन होते हैं, एक बार आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद पैच लगाने हैं, और इसमें डायग्राम भी बना होता है कि कहां पर पैच लगाना है। तो जहां पर डायग्राम बने हैं वहीं पर पैच लगाएं। एक तो लगाना होता है छाती के इस तरह पर, और एक छाती के साथ। नहीं है। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, ये एनालाइज करना स्टार्ट कर देगा अपने हार्ट रिदम को। तो ये जैसे ही आप इसको ओपन कीजिए, इसका स्विच ऑन के बटन स्विच ऑन कीजिए। वेरी गुड, देखिए इसमें पैचेस हैं, ये जो इन्होंने दिखाई इसमें पैच हैं। आप स्विच ऑन कीजिए, इसका बटन ऑन कीजिए। हाँ, वेरी गुड, ये पैच हैं। तो आप थोड़े पास से दिखाइए, देखो इसमें डायग्राम बना हुआ है कि कहां पर लगाना है। देखिए ये दोनों साइड में डायग्राम बना हुआ है कि एक तो छाती पर यहाँ, एक यहाँ पर लगाना है, और एक तो यहाँ पर लगाना है, और एक यहाँ पर साइड में लगाना है। तो ये दोनों पैच, अगर ये इमरजेंसी में आप छोटे बच्चे के लिए भी यूज करते हैं, उसमें एक पैच आगे की तरफ लगा दीजिए और एक पैच पीछे पीठ की तरफ लगा दीजिए, ऐसे भी लगा सकते हैं। वेरी गुड, अब ये अब आप पहले इससे पहले स्टार्ट कीजिए, एईडी का बटन स्विच ऑन कीजिए, एईडी का बटन स्विच ऑन कीजिए। जी वेरी गुड, स्विच ऑन कीजिए बटन, स्विच ऑन जो ऑन है सर, ऑटोमेटिकली रिदम ये कर रहा है। ओके वेरी गुड, सो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं ये बोलते हैं अटैच पैड एनालाइजिंग ए हार्ट रिदम। तो देन आफ्टर दैट वो खुद ही बोलेगा कि रिदम इज शॉकेबल एंड शॉक एडवाइस। जब शॉक एडवाइस होगा, शॉक एडवाइस होगा, तो ऑटोमेटिकली शॉक देगा। शॉक देने से पहले आपको वहां पर एक वो बोलेगा कि इस बटन को प्रेस कीजिए। तो अगर वो शॉक देने के लिए बोलता है तो आप उस बटन को प्रेस कीजिए, शॉक ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाएगा। शॉक देने के बाद वापस से आपको अपना चेस्ट कंप्रेशन वापस से स्टार्ट कर देना है। आप देखिए यहाँ पर इसमें जो लाइट जल रही है, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ही शॉक डिलीवर होगा। और ये शॉक डिलीवर होने के बाद वापस से आपको अपने 30-30 चेस्ट कंप्रेशन वापस से देने हैं। तो वापस से जब दोबारा एईडी आपको देना है तो वो 5 साइकिल के बाद ही देना है, उससे पहले नहीं देना है। 30, ऐसा नहीं कि एक 30 कंप्रेशन दिया और उसके बाद एईडी, नहीं, 5 साइकिल देने के बाद ही एईडी को दोबारा यूज करना है, और उसने जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देगा। नॉर्मली हम इस टाइप के प्रोग्राम एम्स में भी करते हैं। मैं जैसे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ एम्स में, तो हम लोग एम्स में डॉक्टर्स नर्सेस सबके लिए प्रोग्राम करते हैं। बाहर जाके भी हम अदर स्टेट में नॉर्मल लोगों के लिए भी कराते हैं, स्कूल टीचर्स के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए, और जो नॉर्मल कॉमन पब्लिक है। तो हमारा एम यही है कि अगर इसकी वजह से अगर एक भी जान बच जाती है तो हमारा एम सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आज जो अवेयरनेस मिली है, इसे हम यही आप से लोगों से एक्सपेक्टेशन कि अगर कहीं भी तरीके के पर्सन आपको अनकॉन्शियस मिले तो आप प्लीज उनकी हेल्प कीजिए। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल दिया था कि अगर कोई भी हेल्प अच्छे उद्देश्य की गई है तो कोई भी पर्सन आपको परेशान नहीं करेगा। इस वजह से आप हेल्प करने से पहले सोचिए मत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रूल है कि अगर आपने अच्छे इंटेंशन से किसी की हेल्प की है तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा। तो इस वजह से लोगों की हेल्प करने से पहले आप डरिए मत और लोगों की हेल्प कीजिए, और कोशिश कीजिए अगर जहां पर आप हो सकते हैं और इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप जरूर कोशिश कीजिए चेस्ट कंप्रेशन करने की। तो यही हमारा एक्सपेक्टेशन है,
अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप हमारी प्रोत्साहन टीम को ईमेल भी कर सकते हैं या उनको आप पर्सनली मैसेज भी डाल सकते हैं, तो जिसको जो भी कोई डाउट हो गया हम आपको बाद में भी आपको उस चीज का आंसर दे सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. थैंक यू सो मच प्रोत्साहन टीम. थैंक यू मिस्टर विवेक जी एंड थैंक यू ऑल द वॉलंटियर्स फ्रॉम द प्रोत्साहन टीम हु गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई होप द सेशन विल बी यूजफुल टू ऑल. आई थिंक बाकी लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू भाई. अभी मुझे लगता है कि आप सबको सीपीआर के बारे में जितना भी बताया गया है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा. एटलीस्ट हमारा मकसद ये है कि अगर कभी आपको कहीं पर मौका पड़े और आपको ऐसी कोई कैजुअलिटी दिखाई दे तो आप वहां पर मूल दर्शक बन के ना खड़े रहें, आप उसका सदुपयोग करें और किसी की जान बचाने में आपका जो रोल हो सकता है एज ए ह्यूमन बींग आप उसको सही मायने में अदा करें. अभी मैं अपने बीच में हमारे यहाँ हमारे बीच में मिस्टर अमित भटनागर जो आईआईटी रुड़की से हैं और ये आपके बीच में इनका कुछ पसंदीदा सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट, जिसके बारे में ये हमारे बीच में कुछ एक दो संवेदनशील तथ्यों के ऊपर अपना विचार हम सबके साथ साझा करना चाहते हैं. तो मैं अमित भटनागर जी को एक बार इन्वाइट करना चाहूंगा कि प्लीज वो आए और अपने बारे में और अपने जो आपका पॉइंट्स है वो हमारे बीच में रखें. थैंक यू. नमस्कार विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मौका दिया स्वस्थ ग्राम को, जो हम शुद्ध वायु मिशन को चला रहे हैं, विच इज अबाउट जो एयर पॉल्यूशन कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए इससे बहुत बड़ा एक डिजास्टर है जो कि लोगों को समझने की भी जरूरत है, इवन द मोस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी. तो उस मुहिम को हम चला रहे हैं. तो इसके जो जो मैं प्रेजेंट करने वाला हूं उसके तीन पहलू हैं. पहला कि एयर पॉल्यूशन के बारे में जागरूकता, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और दूसरा उसमें हम क्या क्या योगदान दे सकते हैं, और तीसरा जो हमने एक्चुअल इनोवेशन सॉल्यूशन बनाया है विच इज ए पावर टू क्लीन दिल्ली एयर पॉल्यूशन इन वन सिंगल डे, मैं उसके बारे में बताऊं. तो सबसे पहली चीज जो एयर पॉल्यूशन है, कहीं ना कहीं इवन द मोस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी व्हाट वी हैव फेल्ट कि लोगों को एयर पॉल्यूशन का रियल इंपैक्ट मालूम ही नहीं कि वो शरीर को कैसे नुकसान कर रहा है. मैं सबसे चाहूंगा कि सब अपने आप से क्वेश्चन करें इस तरीके से एम्पथाइज करके कि एयर पॉल्यूशन शरीर को कैसे नुकसान होता है. तो जनरली जो हमारी मैक्सिमम फाइंडिंग निकल के आई कि 99% पीपल थिंक कि एयर पॉल्यूशन से जितनी डेथ होती है वो सारी की सारी लंग डिसऑर्डर से होती है. विवेक जी मेरे को शेयर ऑफ स्क्रीन चाहिए होगा. हमारे होस्ट ने सुन लिया है, वो आपको जल्दी से कर रहे हैं. आप देख पा रहे हैं क्या, मैं स्क्रीन दिख रही है? आई थिंक स्क्रीन दिख रही है अभी. विवेक जी क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख पा रही है? बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है. प्लीज. तो ये हमारा नारा है कि आओ करें देश की याद शुद्ध वायु सबका अधिकार. इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन कैसे डिग्निटी इकोनॉमी पे लॉस कर रहा है, कैसे यानी हमारी शुद्ध वायु कैंपेन क्या है, साइंटिफिक इनोवेशन क्या है. तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर स्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड. ये मैक्सिमम लोग समझते हैं कि 100% डेथ जो एयर पॉल्यूशन के कारण होती है वो लंग डिसऑर्डर से होती है, जबकि ऐसा नहीं है. टू थर्ड डेथ आर बियॉन्ड द लंग, यानी 27% डेथ हार्ट अटैक से होती है और 34% ब्रेन स्ट्रोक से होती है. बच्चों पे इसका इंपैक्ट और ज्यादा सीवियर होता है, इवन द कॉग्निटिव थिंकिंग, यानी जो उनके इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं. तो इससे बड़ी डेंजरस स्टेटमेंट हमारी सोसाइटी और दिल्ली के लिए नहीं हो सकती कि जिस एयर पॉल्यूशन में हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम उनके इंटेलेक्चुअल को आधा भी डेवलप नहीं होने देंगे अगर हमने इसको जल्दी एड्रेस नहीं किया. इट इज सच ए सीवियर इशू. 2 मिलियन डेथ हार्ट डिजीज के कारण. तो दिस इज कॉल्ड अ इनविजिबल किलर. आप ये समझिएगा कि अभी तक पूरी दिल्ली में जो कोरोना के कारण डेथ हुई है
उससे करीब करीब 100 गुना ज्यादा डेथ, आई विल से 50 टाइम्स डेथ एयर पॉल्यूशन से हर साल होती है, ये एम्स के डायरेक्टर का कहना है। बट चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि जिसके घर में हार्ट अटैक से डेथ होती है वो एयर पॉल्यूशन की बात भी नहीं करता। ये मेरे खुद के घर का केस है, मेरे दो मौसा जी की डेथ लास्ट टू लास्ट ईयर जनवरी में पीक एयर पॉल्यूशन टाइम में 20 दिन के गैप में ही दो, एंड बोथ डाइड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन इज द सीवियर हार्ट अटैक। बट द चैलेंज वाज कि नन ऑफ अस टॉक्ड अबाउट एयर पॉल्यूशन की एयर पॉल्यूशन कोई रीजन भी था। So that raised the level of challenge for all of us which live in Delhi or even in many cities of India, जहाँ पे pollution level severe level से भी बहुत worse है। So एक तो हमारे को ये समझने की जरूरत है कि even being most educated, we need to shake people up, लोगों को हमको जगाने की जरूरत है कि ये air pollution को ignore नहीं किया जा सकता। और जो कहीं ना कहीं जिनके बच्चे हैं, एवरीवन नोस कि पेरेंट्स के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी उनके बच्चे होते हैं। टू रियली गिव देम राइट एनवायरनमेंट टू ग्रो अप, वी नीड टू मेक श्योर कि हम एयर पॉल्यूशन को एड्रेस करने के लिए हर संभव प्रयास हमको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली इट इज ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस कि वी मेक पीपल ईच अदर पीपल अवेयर कि एयर पोल्यूशन से हमको सबको मिलके फाइट करनी पड़ेगी। तो ये जो भी मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, दीज आर ऑल द स्लाइड्स फ्रॉम WHO, UN, जो एक्चुअल चैलेंज को डिमोंस्ट्रेट करते हैं कि हाउ वी सीरियस इट इज टू एड्रेस द एयर पोल्यूशन। क्योंकि आप खाने के बगैर 60 दिन जिंदा रह लोगे, पानी के बगैर 3 दिन जिंदा रह लेंगे, बट एयर एक ऐसी चीज है विच एवरी मिनट इज क्रिटिकल। आप बिना सांस के जिंदा नहीं रह सकते, वही जिंदगी है। यानी कि वो जो एयर है वो आप एवरी मोमेंट इनसाइड ले रहे हो, दैट बिकम्स द रियल क्रिटिकल चैलेंज नीड टू बी एड्रेस्ड। कुछ मिथ जो मैं तोड़ना चाहूंगा, मैं भी आई थिंक सो बैक एंड फोर्थ क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाऊंगा शायद, पर अगर आपके बाद में कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। कुछ मिथ मैं जरूर तोड़ना चाहूंगा कि जब हम अपने घर में होते हैं तो क्या घर का पॉल्यूशन लेवल 600-700 हो सकता है। तो ये मिथ मैं तोड़ना चाहूंगा कि यस, कि जब आप घर में होते हैं तो आपको विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर लगेगी, आपको लगेगा बिल्कुल साफ है, बट वो साफ नहीं होता। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा जब आप घर के बाहर आकर करीब 500 मीटर दूर की बिल्डिंग देखें, अगर वहां पे हेजीनेस है, धुंधलापन है, तो ये मान के चलिए कि आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां पे भी एयर पॉल्यूशन क्वालिटी अच्छी नहीं है। आप 400 से 500 में आपके बच्चे 400 से 500 एयर पॉल्यूशन के अंदर ब्रीद कर रहे हैं इस टाइम, विच बिकम्स वेरी डेंजरस। अब कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारा केवल हेल्थ पर नहीं, डिग्निटी पर, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये समझ आएगा कि लंदन में एयर पॉल्यूशन लेवल जब 50 हो जाता है पीएम लेवल, तो वहां पे वो रिवॉल्यूशन कर देते, आंदोलन करते, सड़क पे उतर आते। यहाँ पे हम 500 में भी रहकर उस अवेयरनेस को, उस फाइटिंग स्पिरिट को लेके नहीं आते। तो इट बिकम्स ए वेरी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए एजुकेटेड कम्युनिटी कि अगर एयर पॉल्यूशन लेवल ऊपर जा रहा है तो हमको आवाज उठानी पड़ेगी। ये हमारे सबके हित में है और ये अवेयरनेस लाना, हम दूसरे को, एक दूसरे को जगाने की हम सबको जरूरत है, और उसमें बहुत डीप एफर्ट जाएगा। बिकॉज अब आप ना, आप ये समझिएगा कि इट इज नॉट कि आप सोए हुए को जगा रहे हो, कहीं ना कहीं जो सोने की एक सोए यानी जाग के भी सोने का वो कर रहे हैं, आपको उनको तोड़ना है, विच इज मच बिगर चैलेंज। ये कहीं ना कहीं ये दुनिया की सबसे ऊपर की 13 शहर देश में है जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। अब मैं आता हूं कहीं ना कहीं हमारे इनिशिएटिव पर, हमारे सॉल्यूशन पर, जो कि बहुत पावरफुल और बहुत यूनिक है। जनरली आप देखेंगे कि जो घरों में एयर प्यूरिफायर होते हैं उसके अंदर पंखा लगा होता है, उसका मेन काम बिजली से हवा को मूव करना होता है फिल्टर के थ्रू। बट द मोमेंट वी गो आउट, वॉल्यूम इतना बड़ा है दिल्ली की एयर का कि ना तो हम इतने पंखे लगा पाएंगे, ना ही हम इतनी बिजली दे पाएंगे, तो उसको हम क्लीन कर पाएंगे, राइट? बट जब आप गाड़ी चलाते हैं, आप गाड़ी को चलाएंगे तो आप देखेंगे उसके ऊपर ना मूविंग एयर रहती है, यानी कि मेरे को पंखे और बिजली की जरूरत नहीं है उस हवा को मूव करने के लिए। एंड देयर आर 50 लाख कार अक्रॉस दिल्ली जो कि मूव हो रही है, यानी कि कोई अपने दफ्तर जा रहा है, कोई बच्चे को छोड़ने जा रहा है, कोई अपने काम से जा रहा है, कोई बाजार जा रहा है, तो वो अपने काम से ही जाएंगे, बट दे विल बी क्लीनिंग द एयर। और 50 लाख का एफर्ट इतना बड़ा हो सकता है कि वी कैन क्लीन दिल्ली एयर इन वन सिंगल डे,
and these are all research based which has been validated. I think presentation ka disconnection ho gaya hai, but anyhow, so जो हमारा सॉल्यूशन है मैं उसका बस आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा देता हूं, एक सेकंड रुकेगा, मैं शेयर कर पाऊंगा इससे फोन से, यस हेलो, हाँ जी, हाँ एक सेकंड दीजिएगा बस मैं अभी शेयर कर रहा हूं, क्या पूछे थे, हेलो नहीं मैं अब सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ सीधे सीधे, तो हमारा सॉल्यूशन ताकि ये छोटी सी वीडियो है आप सब देख पा रहे हैं जी, विवेक जी दिख रहा है वीडियो, दिख रहा है सर, दिख रहा है वीडियो, दिख रहा है, अरे यार एक सेकंड, एक सेकंड आपने हटा दिया सर, हाँ विवेक जी वीडियो दिख रहा है, विवेक जी वीडियो दिख रहा है, ओके हाँ जी, तो ये है फिल्टर जो कि ऊपर गाड़ी पे लगेगा, कोई भी इसको गाड़ी पे 30 सेकंड के अंदर लगा सकता है और उतार सकता है, ये 100 किलोमीटर रन में इट वाज कैप्चरिंग 4 ग्राम पीएम 10 व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 10,000 मीटर क्यूब एयर, यानी कि अगर ऐसी 5 गाड़ियां चल रही हैं तो जो दिल्ली का पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हाउस है, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा वॉल्यूम, ये 5 गाड़ियां दिन में रन करने के कारण क्लीन कर देंगी, और अगर केवल एक ओला गाड़ी वो पूरे दिन चलती है तो इतना बड़ा वॉल्यूम जो केवल पार्लियामेंट, एक गाड़ी पार्लियामेंट के इक्वल जो वॉल्यूम है, एक गाड़ी क्लीन कर देगी, दिल्ली में ऐसी 50 लाख गाड़ियां दौड़ रही है, विच इज ए मैसिव एनर्जी अवेलेबल टू अस विदाउट एनी मोटर, विदाउट एनी ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी, and we can clean Delhi air in one single day. यानी कि 50 लाख गाड़ियों से हम 20 टन PM 10 को रिमूव करने की ताकत रखते हैं. अभी इसका जो करंट स्टेटस है इस इनोवेशन का, इसको IIT डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है. मैं इसकी एक छोटी सी आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि ये जो वीडियो आप देखेंगे इसके अंदर हमने ना पीछे PM मीटर लगा रखा है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि PM मीटर की वैल्यू 453 से स्टार्ट होती है और जैसी ये गाड़ी चल रही है 50 की स्पीड पर, तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू कहां तक चली जाती है, ये नियर अबाउट प्योर एयर पीछे से रिलीज कर रहा है, तो कोई भी पॉल्यूटेंट यानी सारे पॉल्यूटेंट ये कैप्चर कर पा रहा है, बिल्कुल क्लीन एयर बाहर आ रही है. तो दिस इज ए इनोवेशन विच वी आर रनिंग अंडर शुद्ध वायु मिशन. तो मैं ये भी आग्रह करूंगा कि आप हमारी शुद्ध वायु वेबसाइट पे आइए, स्वग्राम पे जाइए, आप अपनी गाड़ी रजिस्टर करिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को फ्री फिल्टर दे पाए, और वी विल आल्सो रिक्वेस्ट कि अगर कोई कॉर्पोरेट इसको फंड करना चाहे, क्योंकि अभी एक ईपे लेटर करके फिनटेक कंपनी थी जिन्होंने 10 फिल्टर डोनेट किए थे, तो उसके पीछे हमने उनको ब्रांडिंग भी दी थी, पर ताकि जो गाड़ी वाले हैं उनको फ्री में वो मिल पाए, तो इसमें आप भी अपना एक योगदान दे सकते हैं. बट दिस इज ए आंसर विच इज रेडी अवेलेबल विद अस, जिसके अंदर हमको सरकार पे डिपेंडेंट नहीं होना, एज ए सिटीजन वी कैन एड्रेस दिस प्रॉब्लम इन वन गो. और सबसे अच्छी चीज है कि जब पॉल्यूशन है तभी आपको गाड़ी पे लगाना है, जब पॉल्यूशन नहीं है आप इसको गाड़ी पे से उतार सकते हैं और गाड़ी कोई स्क्रैच भी नहीं रहेगा, एज इट इज गाड़ी का लुक वापस आ जाएगा. तो इट इज ए रेट्रोफिट डिटैचेबल सिस्टम विच यू कैन टेक इट ऑफ एनी टाइम. और इसका जो मैं आपको अपडेट बता रहा था कि IIT दिल्ली हैज ऑलरेडी अप्रूव्ड दिस टेक्नोलॉजी, इट इज लाइंग विद CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो वहां के चेयरपर्सन है उनको ऑलरेडी अप्रूवल इसका जा चुका है. तो ऑनरेबल मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी वॉज अबाउट टू लॉन्च इट, तो अभी किसान आंदोलन जैसी थोड़ा वो होता है तो उसके बाद हो सकता है इसको जल्दी लॉन्च भी करे वहां से. तो दिस इज द करंट स्टेटस एंड आई होप कि इन तीनों विषय में कि जहां पर एक तो जागरूकता अबाउट एयर पॉल्यूशन कि कैसे हमारी सोसाइटी हमारे बच्चों के लिए ये हमको जानना बहुत जरूरी है कि एयर पॉल्यूशन कैसे इम्पैक्ट करता है, और ये जागरूक होने की जरूरत है कि हम एक दूसरे को जगाएं कि हमको इससे लड़ना होगा, हम शांत नहीं बैठ सकते. तीसरा वी हैव ए सॉल्यूशन इन हैंड जिसको इम्प्लीमेंट करके हम इसको एड्रेस कर सकते हैं. धन्यवाद.
बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी. थैंक यू सर. हाँ जी. हाँ विवेक जी, मेरी तरफ से हो गया है. अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वेलकम. अपने आप में ये थोड़ा अच्छा प्रयास है आपका अमित जी, कि जिससे मेरे को रहा नहीं गया, मुझे रहा नहीं गया आपका, जिससे मैंने देखा है ये वाला डिवाइस, तो मुझे लगा कि इसको सबके सब इसके बारे में सबको जानना चाहिए. और अभी मेरे को साइड में मैसेज भी आ रहे हैं कि बहुत ही अच्छा ये आपने समाधान निकाला है. और इसको हम लोग जो आज की पूरी मीटिंग है, मैं सबको बताना चाहूंगा कि आज की पूरी मीटिंग जो है ये हमारे इंस्टाग्राम पे भी रहेगी, तो कुछ लोग को बीच में डिस्टर्बेंस रहा और कुछ और जानना चाहते हैं तो दे कैन ऑल्सो वॉच ऑन इंस्टाग्राम. और इसी तरीके का हमारा ये प्लेटफॉर्म जो CPR को लेकर के जो हमारा है, एक तो हमारी एक मुहिम है ही है कि हम हर बार हर रेगुलर इसके इंटरवल पे CPR के बारे में आप लोगों को बताते रहेंगे. और साथ ही साथ इसी तरीके का कोई ना कोई एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि हमारे मेक इन इंडिया में और हमारे IIT के एंटरप्रेनर्स ने हमारे देश को देने की कोशिश की है, उसको भी हम अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए सबके साथ शेयर करते रहेंगे. ये हमारा एक विचार है, हमारी NGO का अपना एक विचार है. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे वाले आने वाले समय में हम कुछ और भी अच्छा आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे. और आज जब मेरा सबसे अनुरोध है कि CPR के प्रोसेस को एक बार जरूर देखें, समझे, इंस्टाग्राम पे दोबारा देखना चाहें तो देखें समझे, क्योंकि जो नीरज जी ने बताया वो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया. और ऐसा तरीके से बताया कि आराम से हर आदमी अगर प्रयास करे, प्रैक्टिस करे, तो कभी ना कभी अगर कहीं जीवन में जरूरत पड़ जाए तो किसी की मदद जरूर कर पाएगा. तो इसी आशा के साथ मैं आप सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. और कल 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक बधाइयां. जय हिंद.